हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार और केतबार टैक्स सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको पीएफ केवाईसी कैसे करते हैं और पीएफ में नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम नॉमिनेशन करके दिखाएंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आ गए अपने क्रोम ब्राउजर में और टाइप करेंगे ईपीएफओ मेंबर पोर्टल, इसको लॉगिन कर लेते हैं। मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन हम आ गए अपनी इसकी वेबसाइट पर और इस पर क्लिक करके हम मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है ईपीएफओ मेंबर का। तो इसमें हम आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। तो हम अपना यूएन नंबर डाल देते हैं इसमें। दोस्तों हमने अपना यूएन नंबर डाल दिया है, ऊपर नीचे पासवर्ड डाल दिया है और हम नीचे कैप्चा भरेंगे। कैप्चा डाल देते हैं कैप्चा डाल दिया हमने। कैप्चा डाल के साइन इन करेंगे दोस्तों। साइन इन करने के बाद ओटीपी जाएगा हमारे फ़ोन पे। साइन इन किया हमने, देखो ओटीपी हमारा सेंड हो गया है। अब ओटीपी इसमें हम डाल देते हैं दोस्तों। तो हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें नॉमिनी ऐड करेंगे। ई नामांकन सुविधा हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है दोस्तों। तो हम इस पर ही इसको हटाएंगे नहीं और यहीं से हम फाइल नाउ करेंगे। तो नॉमिनी दोस्तों यहीं से ऐड होता है। तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखो योर प्रोफाइल फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड, तो पहले हम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो हम अपने होम पेज पर जाएंगे और इसको लेटर कर देंगे। इसको लेटर करने के बाद हम अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे, व्यू पर जाएंगे और इस पर प्रोफाइल पर क्लिक किया। प्रोफाइल करने के बाद हम अपने इसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे पहले, तो जिसका जैसे नॉमिनी होना है दोस्तों, तो हम पहले उसका फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं कस्टमर का। तो हम इसमें ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद दोस्तों हम फोटो ले लेते हैं। फ़ोटो पर हमने क्लिक किया। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों फ़ोटो हमने ले लिया है। अब हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद और उसमें अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अपलोड फ़ोटो किया, ओके करेंगे और फ़ोटो हमारा देखो अपलोड हो गया। अब फोटो अपलोड हो गया। अब हम इसमें एड्रेस अपडेट करेंगे। क्वालिफिकेशन चाहे छोड़ दें, एड्रेस अपडेट करना जरूरी है। एड्रेस अपडेट कर देते हैं। इसमें विलेज डालेंगे, विलेज डालेंगे, विलेज विलेज डाल दिया। अब पोस्ट डालेंगे, पोस्ट डाल दिया। तहसील डालेंगे, तहसील डाल दिया। अब स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं दोस्तों, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ के रहने वाले हैं आप। हो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज करें। तो हमने अपना पिन कोड डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद पिन कोड डाल दिया और करंट एड्रेस से हमारा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो हम इस पर टिक करेंगे। अगर आपका अलग अलग है तो दोस्तों आप इसको दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम इस पर सेम करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट कर देंगे दोस्तों, हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है। एड्रेस सेव सक्सेसफुल लिख के आ गया है दोस्तों। अब हम फिर होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने का हम फाइल नाउ करेंगे। अब हमें नॉमिनेशन करना है तो फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद देखो हमारा ऑप्शन खुल गया। पहले नहीं खुल रहा था, अब फोटो और एड्रेस अपडेट हो गया तो ये खुल गया है। तो हम इस पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड किया हमने, हैविंग फैमिली, तो इस पर हम यस करेंगे। यस करने के बाद देखो ये हमारा ऑप्शन आ गया। इसमें आधार मांगे तो आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हो अपने घर में। मम्मी को बना सकते हो, पापा को बना सकते हो, या अपनी बीवी को बना सकते हो, या भाई को भी बना सकते हो। तो दोस्तों हम इसमें पिताजी को नॉमिनी बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी इच्छा अनुसार जिसको भी चाहो तो उसे बना सकते हो। तो इसमें हम पहले डालेंगे अपने पापा का आधार। इसमें पापा का आधार पड़ेगा, इसमें पापा का आधार पड़ेगा, तो हम पापा का आधार डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया। इसमें नाम डालेंगे, सेम टू सेम डालना है। गलत आधार कार्ड के हिसाब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाम डाल देते हैं,
नाम डाल दिया। आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे पिताजी की, जो डेट ऑफ बर्थ पिताजी की है वो उस डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। कैलेंडर में पहले हमने ईयर सिलेक्ट किया, बाद में मंथ सिलेक्ट करेंगे और बाद में डे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये हमने 1/1/1969 सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद इसमें फादर, डिपेंडेंट फादर पर क्लिक करेंगे और सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पापा और मैं एक साथ रहता हूँ तो हमारा सेम ही है, तो हमने सेम एड्रेस पर सिलेक्ट किया है। और इसमें अब पापा का फ़ोटो अपलोड करेंगे, पिताजी का, यहाँ पर फ़ोटो पिताजी का लगा है क्योंकि नॉमिनी जिसे बना रहे उसका फ़ोटो लगता है यहाँ पर, तो हम इस पर फोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल क्लिक करने के बाद दोस्तों हम फोटो पापा का चूज़ कर लेते हैं। ये फोटो पड़ा है, फोटो हमने सेलेक्ट किया और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये जूम हो गया, देखो साफ दिखने लगा दोस्तों। तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू क्लिक करने के बाद हम इसको अपलोड फ़ोटो कर देंगे, अपलोड कर देते हैं। देखो हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया है, शो होने लगा। अब हम इस पर टिक करेंगे सहमति पर और सेव सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सेव सेव हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए लाइन में आ रहा है दोस्तों, ये आ गया हमारा आधार नंबर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपेंडेंट फादर, ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई। अब हम इस पर टिक करना है क्योंकि इसमें ये पूछता है कि आप कितने परसेंट तक अपने जो नॉमिनी जिसे बना रहे उसे कितने परसेंट तक आप देना चाहते हो, अगर जैसे आपको आपके बाद कितने परसेंट तक आपका जैसे ऐसा ले सकता है, तो इस पर हम टिक करेंगे और उसमें 100% कर देंगे नॉमिनी के लिए 100%, क्योंकि सारा पैसा मिल जाए, ठीक है। तो हम इस पर सेव पीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखो सक्सेसफुल हो जाएगा अभी, ये देखो हमारा सेव हो गया, फिर से ये खुल गया ऑप्शन एक और, तो हम इसको फिर से भर लेते हैं, ठीक है। ईपीएस नॉमिनेशन को भरेंगे दोस्तों, हमने अपना आधार नंबर डाल दिया, अब नाम डाल देंगे, हमने नाम डाल दिया है, अब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जैसे पहले डालेंगे। देखो मेरा कैलेंडर खुल गया है, हम पहले इसमें ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, ईयर सिलेक्ट करेंगे, हमने ईयर सिलेक्ट किया है। अब इसमें हम मंथ सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करने के बाद हम डे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम मेल करेंगे और इसमें फादर डाल देंगे, FAHER फादर डाल देंगे। अब इसमें एड्रेस फिलअप कर देंगे, इसमें से इसमें टिक करने वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो दोस्तों इसमें हमें भरना होगा, तो हम विलेज डाल देते हैं पहले, विलेज विलेज डाल दिया। अब हम पोस्ट डालेंगे, पोस्ट डाल दिया। अब हम सिटी डालेंगे, जो हमारे नज़दीक सिटी हो उसको डाल देते हैं, या तहसील को अपनी डाल सकते हो। अब हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट किया। अब हम अपना ज़िला सिलेक्ट करेंगे, ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड डालेंगे, इसमें पिन कोड डाल दिया। अब हमें फ़ोटो फिर से अपलोड करना है, फिर से फ़ोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे और वही फ़ोटो फिर से ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो इधर साइड में आ जाएगा और फ़ोटो देखिए ये सक्सेसफुल हो गया, फ़ोटो हमारा सक्सेसफुल होने के बाद हम टिक पर क्लिक करेंगे, चेक मार्क लगाएंगे और हम सेव नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, दोस्तों नॉमिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, व्यू करेंगे और हम सारी डिटेल अपनी चेक कर लेते हैं, उसके ई साइन बाद में करेंगे, अगर कोई हमारी दिक्कत होती है तो हम एडिट भी कर सकते हैं अभी, तो हम व्यू कर लेते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे और सारे तो देखिए हमारा फ़ोटो लग के आ गया है इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पर पिताजी का भी नाम आ गया है, फ़ोटो आ गया, तो एड्रेस सिलेक्ट चेक कर लेते हैं। एड्रेस सिलेक्ट किया हमने, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं और इसमें भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं चेक करके अपनी कोई गलती ना हो, नहीं तो पीएफ निकालने में दिक्कत होगी बाद में। सारी डिटेल हमने चेक कर ली है,
मेरी सारी डिटेल सही है दोस्तों। तो अभी हम फिर से बैंक जाएंगे, बैंक जाने के बाद हम ई साइन करेंगे, ई साइन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ई साइन सर्विस के लिए खुल गया है दोस्तों। तो इसमें हम अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर हमने डाल दिया है, तो गेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। देखो हमने सेंड कर दिया है, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, देखो सेंड हो गया ओटीपी। अब हम ओटीपी डाल देते हैं इसमें दोस्तों। तो हमारा ओटीपी आ गया, हमने फिलअप कर लिया और इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के लिए देखो सबमिट हो गया हमारा दोस्तों। तो सबमिट होने के बाद देखो ये पीडीएफ साइन साइग्नेट सक्सेसफुली हो गया है। अब हम इसको होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद देखो नॉमिनेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम होम पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहले जो आता था नॉमिनेशन के लिए, अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। तो ये हमारा देखो नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरी वीडियो लाएंगे, इसमें हम कैसे क्लेम करते हैं, एडवांस पीएफ कैसे निकालते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी वीडियो हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं दोस्तों इसके बाद। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके दोस्तों। जय हिंद।